हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। यहां पर देख सकते हैं ये डेटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इस डेटा में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट मिला है और फिर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, फिर उनका टोटल मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट किया गया है। अगर बहुत बड़ा डेटा होता है, ये तो अभी बड़ा नहीं है, छोटा डेटा है, तो बहुत बड़ा डेटा होता है तो रो नंबर और कॉलम नंबर खोजने की बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे कंडीशन में, और सवाल ये है कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है, कहाँ यूज किया जाए। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस तो पता ही है क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, तो ये यूज कहाँ होगा। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, अब ये डेटा आपके पास सही है, एक फॉर्मूला होता है मैच का, जो रो नंबर या कॉलम नंबर खोजने के लिए यूज होता है, पहले बता चुका हूँ मैं। तो ये मैच लगा लीजिए, आप लगा लिया, अब क्या करना है। अब मान लीजिए कि अब कुछ भी आपको खोजना हो तो वही चीज आप कहीं दूसरे सेल में लिख सकते हैं, या फिर यहां से भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये मान लीजिए मैक्सिमम का आपको कॉलम नंबर पता करना है, ठीक है। कॉलम नंबर पता है क्या होता है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये सब कॉलम है और ये 1 2 3 ये रो है। तो अभी बात कर लेते हैं कॉलम नंबर की। तो ये हो गया, कॉमा देंगे। अब ये जो जो भी आपको सर्च करना है, ये ऊपर ही यहीं पे मिलेगा। ये देखिए, ये जो हेडिंग दिख रही है ना, इसी में ये कहीं होगा, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी खोजना हो तो ये इसी में कहीं होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेल एड्रेस आ गया C3:K3। ये दोनों ही C3 और K3, ये दोनों ही रिलेटिव सेल एड्रेस के एग्जांपल्स हैं। अब हमें क्या करना है, इसे एब्सोल्यूट बनाना है। अब देखिए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का यूज, इसे एब्सोल्यूट बना दिया, F4 बटन प्रेस करना है, फंक्शन बटन आपको F4 प्रेस करना है और ये बन जाएगा एब्सोल्यूट। तो बन गया, अभी तो एब्सोल्यूट बन गया है ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यूज। अब कॉमा देंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, बंद करना है इसको, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है 8। देखिए यहां पे 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब ये 8 जो है ये कौन से कॉलम में है, काउंट करिए, 1 ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये मैक्सिमम जो है 8वें कॉलम में है। आप देख सकते हैं यहां पे, फिर से आप काउंट कर सकते हैं, ये 1, ये 2, क्योंकि डेटा यहीं से शुरू हुआ है तो 1 यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मैक्सिमम हमारा 8 नंबर कॉलम में है, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर मैक्सिमम, अभी इस फॉर्मूले को हटाते हैं, यहां पर मैक्सिमम मिनिमम जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अभी रो नंबर खोज के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से गए और यहां पर जाकर के, और स्टूडेंट का नाम यहां पर हमने रख दिया ला करके, ठीक है, ये रख दिया। और यहां पर किसी भी सब्जेक्ट का नाम ला के रख देते हैं, टोटल किया है इसका भी नाम आप लेके रख सकते हैं। तो ये यहां पर है और यहां पर टोटल रख दिया, ऊपर टोटल है, यहां पर नेम है स्टूडेंट का, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि महेश का रो नंबर कौन सा है, तो यहां पर आप मैच का फॉर्मूला लगाइए और यहीं पर तो प्रयोग हो रहा है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। देखिए अब ये महेश कहां मिलेगा आपको, महेश यहीं इसी में मिलेगा ना, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये जो कॉलम है यहीं पे तो महेश मिलेगा। तो महेश को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए और यहां से आपकी गिनती चालू होगी, यहां से पहले कॉलम से। तो ये पूरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं या यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये पूरा सेलेक्ट करता हूं, ये हो गया, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया डेटा। F4 दबा के प्रेस कीजिए, देखिए रो और कॉलम दोनों ही के पहले डॉलर लग चुका है। कॉमा देंगे, 0 देंगे, तो अब जो है ये महेश का कॉलम नंबर 9 बता रहा है। तो यहां से काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कि नहीं है, क्लियर है। अब टोटल मान लीजिए पता करना है, तो फिर एक बार दिखा देता हूं, तो MATCH मैच कर दीजिए। ये बड़ा मजेदार है और आपको रो और कॉलम नंबर पता करके दे देगा, तो बड़े-बड़े काम आसान हो जाते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी सपोज कीजिए टोटल को सर्च करना है, तो ये टोटल को सेलेक्ट किया, कॉमा, टोटल मिलेगा कहां, किसी में कहीं मिल जाएगा आपको टोटल, ऊपर हेडिंग जो लिखी हुई है इसी में तो होगा टोटल। तो ये पूरा सेलेक्ट कर जाइए आप, है ना, तो ये यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो ये सेलेक्ट हो गया, F4 दबा के प्रेस कीजिए इसको, कॉमा दीजिए, 0 दीजिए, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर प्रेस कीजिए। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है कि ये जो है कॉलम नंबर 7 में है, कैसे है, आइए काउंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 और ये 7, है ना। तो टोटल जो है 7 नंबर कॉलम में है, ये तो आपको पता चल गया। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ना, दोनों चीजें फ्रिज हैं। यहां पर अगर मैं इसको एडिट करके दिखाता हूं तो ये देखिए, यहां पे C3 में C भी फ्रिज है और 3 भी फ्रिज है, तो इसी को तो कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।